उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दो विवादित भूखंडों को अपने कब्जे में ले रहे ये अफसर आयकर विभाग के वो अधिकारी हैं जिन्हें मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है। गाजीपुर में गणेश मिश्रा के नाम से खरीदी गई दो अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। इनका कनेक्शन IS-191 गैंग के मुख्तार अंसारी के साथ है, जिसे बीते दिनों कई मामलों में सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा की जेल में बंद है। उसने ये जमीनें गणेश मिश्रा नाम के एक शख्स के साथ खरीदी थी। दस्तावेजों में गणेश मिश्रा का नाम ही इन भूखंडों पर शामिल है। बताया जा रहा है कि बेनामी निषेध इकाई की ओर से हुई कार्रवाई के बाद मुख्तार अंसारी की इन दो संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी की इन संपत्तियों पर आयकर विभाग की टीमों ने नोटिस लगाने के बाद एक्शन किया है। इसे मुख्तार गिरोह के ऊपर एक बड़ी चोट कहा जा रहा है। इससे पहले भी गाजीपुर और मऊ जिलों में मुख्तार के करोड़ों रुपए के साम्राज्य पर जब्ती, कुर्की और बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। इन सबके बीच मुख्तार को अदालत से सजा भी हुई है। मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में मुख्तार अंसारी पर कुछ और बेनामी संपत्तियों को लेकर एक्शन हो सकता है। प्रशासन ने जो जानकारी जारी की है उसके मुताबिक जिला गाजीपुर में ये सारी संपत्तियाँ मुख्तार अंसारी ने अपने गुर्गों के नाम से ली थी। आयकर विभाग की लखनऊ टीम ने फिलहाल अनंतिम रूप से इन संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। उप आयकर आयुक्त की ओर से इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है। ये सारी संपत्ति यहाँ के मौजा कपूरपुर में थी, जिस पर गणेश दत्त मिश्रा का नाम शामिल था। इसका हितधिकारी मुख्तार अंसारी को बताया गया और इसके बाद इन संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया है। अब इस मामले की जाँच की जा रही है।